हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें हम जो देख रहे हैं आपके पेपर थर्ड देख रहे हैं, जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है और उसे किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो तीन केस हमने लिए थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आपके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनके कारण आपके किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ हम स्ट्रक्चर देखेंगे जिनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकालेंगे। तो उन्हीं में से आपका एक है सर्कुलर लूप। तो ये आपने आपके 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, सर्कुलर लूप के कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम देखेंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो एक सर्कुलर लूप या फिर रिंग जैसी कोई स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आप, उसके कारण किसी पॉइंट पर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं, एक वलय जिसको आप बोलते हैं, और उस पे माना चार्ज आपके क्यू है। ये कोई आपका सर्कुलर लूप है, इस पे चार्ज क्यू है। ये जो प्लेन है जिसमें ये है वो आपका वाई जेड प्लेन है, जो तल है वो वाई जेड है, और जो वलय का केंद्र है और जो आपने वाई जेड प्लेन लिया है इनका केंद्र कॉइंसाइड करता है, सेम ही इनका ओरिजिन सेम है। ओके, और आपको इस लूप के कारण, सॉरी, आपको इस लूप के कारण किसी कोई पॉइंट है पी, वो आपका कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो इस लूप के कारण, लूप पे जो चार्ज है उसके कारण आपके पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और एक और चीज़ और है कि सर्कुलर लूप जब आप ले रहे हैं, सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो हमने ली है ए। ओके, तो सबसे पहले हमको जो कंसीडर करना पड़ेगा, हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसकी लंबाई डीएल है। ओके, और ये आपका पॉइंट सी है, इसका केंद्र सी है, और जो ये डिस्टेंस है जो हमने लाइन एलिमेंट लिया है उसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से आपके एक्स है, और जो ये एंगल बना रहे हैं वो थीटा है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो डीएल के कारण जो ये लाइन एलिमेंट है इस पे चार्ज मैं मान लेती हूँ डी क्यू। डी क्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हम डी क्यू निकालेंगे। तो डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। ये आपकी जेड डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है, और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन। ओके, ये क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टोटल के आपके डी क्यू की वैल्यू क्या है, जो चार्ज है लाइन एलिमेंट का वो कितना होगा। तो डी क्यू आपका कितना होगा, तो कि टोटल चार्ज है लूप पर क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल, ठीक है। तो ये डी क्यू आपका क्या आएगा, जो आपका टोटल चार्ज है अपॉन जो सरकमफेरेंस है, जो आपकी परिधि है, बटा इसका, क्योंकि आपने जो जो हमने डिफाइन किया था, हमने एक चीज़ डिफाइन की थी आपकी सरफेस चार्ज, चार्ज डेंसिटी हमने डिफाइन की थी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी हमने जो डिफाइन की थी वो कैसे डिफाइन की थी, जिसको हमने लैम्डा बोला था। लैम्डा आपके क्या होता है, टोटल चार्ज और अपॉन में लेंथ, पर यूनिट लेंथ आपका कितना चार्ज है। तो इधर लेंथ कितनी है, सॉरी, इधर जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 2 पाई ए
ठीक है, परिधि है वो आपकी लेंथ है, और क्यू चार्ज, टोटल चार्ज कितना है क्यू, ये आपकी लैम्डा हो गई, तो डी क्यू आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डी एल, और ये आपका डी क्यू आ गया। तो ये टो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब बिल्कुल सिंपल है डी ई निकालना आपका। तो डी ई की वैल्यू, या फिर मैग्नीट्यूड हम ले, डायरेक्शन अभी नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड अगर हम ले, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो आपके आएगा, आपको पता है क्या होता है, एफ अपॉन क्यू जीरो, जो आपका चार्ज है, ठीक है, जिस चार्ज के कारण आप निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, वो चार्ज सिर्फ आपका आता है, तो के किस चार्ज के कारण हम निकाल रहे हैं, डी क्यू के कारण, तो डी क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इसको या तो मैं क्या लिख दूंगी, एक्स है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, सिर्फ हमने इसका मान लिखा है, हमने डायरेक्शन नहीं लिखी है, तो इसका सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी ई की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे डी क्यू की वैल्यू यहाँ से, तो पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा के डी एल 2 पाई ए। तो ये हमारे पास आ गया इस लाइन एलिमेंट के कारण, पॉइंट पी पर हमें निकालना है इस पूरे वलय के कारण, तो हम क्या करेंगे, इससे अपोजिट डायरेक्शन में सेम लेंथ का, एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे डी एल, और इसके कारण निकालेंगे जो सेम उसकी डिस्टेंस है, कितनी है एक्स, ठीक है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में सेम सेम लेंथ का है, तो वो कंसिडर करेंगे हम एक एलिमेंट, देखिए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डी ई। देखो क्योंकि आपका स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, इसलिए जो दोनों आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी, और ये चीज़ आपको पता ही है कि अब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट, तो एक जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है। तो देखो ये डी ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में अगर आप देखें, और इस डायरेक्शन में इसको देखेंगे तो डी ई कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा, और डी ई साइन थीटा। देखो ये दोनों आपके क्या है, सेम है, डी ई दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि तो दोनों लाइन एलिमेंट सेम है, और ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों आपके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ जो कंपोनेंट बचेगा, कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डी ई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। सो हमारा जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम क्या करेंगे, डी ई पी, और जो ई है आपका दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट ये वाला है, एक्स कंपोनेंट ये वाला है, तो वाई कंपोनेंट और एक्स में से आपका जो वाई वाला है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो दो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में है, और जिनकी लंबाई क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आपके पास जो डी ई वाई है ये तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो इसकी वैल्यू तो क्या है, जीरो, तो जो आपका वलय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, अवकलन किसका, एक्स डायरेक्शन में, और डी ई एक्स आपका क्या है, डी ई कॉस थीटा, ठीक है, और इसके डायरेक्शन क्या होगी, इसकी एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। सो अब वैल्यू पुट कर देंगे, डी ई की वैल्यू हमारे पास है ही पहले से, वो है के क्यू डी एल 2 पाई ए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस से आप यहाँ से कॉस थीटा की आपके पास वैल्यू है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, तो
थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये आपके हो गया आधार और ये आपके हो गया कर्ण। ठीक है, तो आधार आपका क्या है? आर, और कर्ण क्या है? एक्स। तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? आर बाय एक्स। बी क्यू डी एल 2 पाई ए आर बाय एक्स। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आया? ई इजिकल्स टू डी ई एक्स, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। ये एक्स स्क्वायर आपके सीपी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो हमारी थी, लास्ट में शायद मैं लिखना भूल गई, तो आप ये ऐड कर लेना। एक्स स्क्वायर जो आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू है, जो डिस्टेंस है दोनों लाइन एलिमेंट और पी के बीच की, वो आपकी एक्स मानी थी हमने। तो ये वो है जो सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो 2 पाई ए एक्स स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू होती है आर बाय एक्स, अंदर क्या बचा? डी एल। उसका थोड़ा ठीक से, जो डीएल है अवकलन है किसका? लेंथ का। ठीक है, लेंथ आपका सर्कुलर लेंथ में ये आपका छोटा सा लाइन एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका डीएल है जो पूरी सर्कमफेरेंस है। ठीक है, जो आपकी परिधि है उसकी टोटल लंबाई क्या होगी? यही आपका अवकलन होता है। वो कितनी है? आर बाय एक्स। तो अवकलन डीएल का क्या होगा? 2 पाई ए। तो ये वैल्यू पुट करने पे 2 पाई ए से आपका 2 पाई ए कैंसिल, क्यू आर एक्स क्यू। ठीक है, ये आपके आ गया। एक्स आपके क्या था? देखो सॉरी, ये लाइन एलिमेंट एक्स से ये था, ये आपकी डिस्टेंस थी पॉइंट पी से, ये ए लेंथ थी। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एक्स की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। और इसकी डायरेक्शन क्या है? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसकी डायरेक्शन क्या है? पी एक्स दिशा में, इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन आ गई इसकी। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? किसी भी आपकी वलय के कारण या फिर सर्कुलर लूप के कारण। तो ये मेथड बहुत इजी है, ये आपने 12th में भी पढ़ा हुआ होगा। कुछ चीज़ें जो इससे हम निकाल सकते हैं वो है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या आपकी कोई वलय हो, ठीक है, ये हमारी कोई रिंग है, ठीक है, इस पे चार्ज आपका है क्यू। ठीक है, अगर पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे नहीं हो के सेंटर पे हो, ठीक है, वलय के केंद्र पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करें तो आपके पास क्या आएगा? देखो, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप वलय के ऊपर निकालोगे तो मतलब आर की वैल्यू क्या है? 0। तो जब आप आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके क्या आएगी? 0। मतलब जो वलय है उसके केंद्र पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा 0 होगा। और अगर आप देखें कि अगर आपकी आर बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में? रेडियस या फिर आपकी त्रिज्या, वलय की त्रिज्या की तुलना में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको, अगर आपका आर बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे? ए से, तो आप ए को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर 3/2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा के आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये आपका किसी भी पॉइंट के कारण, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, विद्युत क्षेत्र आता है, वो सेम यही चीज़ आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही आता है। तो अगर आपका चार्ज बहुत दूरी पर स्थित है वलय से, आपको किसी बहुत जो दूरी आपको दी हुई है
जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, अगर वो आपकी त्रिज्या वलय की त्रिज्या के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, तो जो आपका वलय है वो किसकी तरह से बिहेव करेगी? एक चार्ज के जैसे, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल चार्ज के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फील होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके दो इसमें पॉइंट निकल के आते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट पॉइंट जो है कि अगर आपका केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर अगर आपको निकालना है वलय के कारण, तो वो किस तरह से आपके पास आएगा? तो केंद्र पर जो आपके आए वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमने कैसे लिया था, देखो, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो अगर आप छोटे छोटे लाइन एलिमेंट लो, ठीक है, ये आपने लाइन एलिमेंट लिए, तो ये सारे क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या मिल रहा है। और क्योंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके डायरेक्ट अपोजिट जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, देखो, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, और इनके सारे ये इस तरह से एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए आपके पास क्या होता है, सेंटर पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या आता है, 0 आता है। एक क्वेश्चन जो आपसे इससे रिलेटेड आपको करना है, जो आपका असाइनमेंट है, वो ये है कि एक आपको वलय दी हुई है जिसपे चार्ज है Q 10 माइक्रो कूलाम। आर जो आपके पास है, जिस डिस्टेंस पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है आपकी 30 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वलय की या फिर त्रिज्या है वो है 2 सेंटीमीटर। तो एक वलय के कारण जिस पर चार्ज आपके 10 माइक्रो कूलाम है, उसकी आर दूरी पर जो कि 30 सेंटीमीटर है, ये आपके जो दे रखी त्रिज्या वो 2 सेंटीमीटर है, तो उसके कारण आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना। तो ये आपका असाइनमेंट है। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।